जय राधे कृष्णा गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे माधवा जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे फल ही गौ सेवा है। जब ठाकुर जी अपनी सेवा से रीझ जाते हैं तब गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत होता है। अपनी सेवा से जब रीझ जाते हैं और सबसे बड़े पूजक तो भगवान हैं गैया के। गोलोक में जब सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, नारद जी ने ये कथा सुनाई है, तो श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ विहार कर रहे थे। अचानक विहार की श्रांति हुई और ऐसी इच्छा हुई कि कोई पेय पदार्थ पिया जाए जिससे अनुक्षण शक्ति शरीर में मिले। तो गौ दुग्ध सबसे जल्दी शक्ति शरीर में देता है, सबसे जल्दी तुरंत शक्ति देता है। तो मन में इच्छा हुई कि क्या पिया जाए ऐसा। तब श्री ठाकुर जी ने अपने वाम भाग से सुरभि गैया को जन्म दिया। सुरभि गैया का प्रागट्य ठाकुर जी के वाम भाग से हुआ, जो आदि शक्ति हैं। और सुरभि मैया जब प्रकट हुई तो श्री ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके साथ एक वत्स भी प्रकट हुआ, सवत्सा गाय थी, और उस वत्स का नाम था मनोरथ, सब मनोरथ पूर्ण कर देने वाला। तो उस वत्स ने पहले गौ दुग्ध पिया और सुरभि मैया ने जब दूध स्रवित किया तो श्रीदामा गोप ने एक बढ़िया सुंदर स्वर्ण के पात्र में उस दुग्ध को भर लिया। श्री युगल सरकार ने उस दुग्ध का पान किया और सहसा श्रीदामा गोप के हाथ से वो दुग्ध पात्र गिर गया और गिर के वह फूट गया। तो वह जब दूध फैला तो उसी दूध से क्षीर सागर का निर्माण हुआ और श्री राधा माधव के योग्य, उनकी लीला के योग्य वह सरोवर हुआ, जिसमें श्री जी सखियों के साथ उन्होंने लीलाएं की।